डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टॉक स्कैनर के ऊपर रहेगा कि कैसे हम स्कैनर को बना सकते हैं। तो स्कैनर बनाने के लिए वैसे तो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी बना सकते हो, चार्टिंग पे बना सकते हो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्कैनर बना सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो आज हम एक बेसिक चीज सीखेंगे कि स्कैनर बनाते कैसे हैं। तो स्क्रीन में जाना है, जैसे जो लोग नए हैं, जो भी आप लोग का लॉजिक रहेगा, जो भी लॉजिक रहेगा उसी लॉजिक को यूज करके आप अपने लिए स्कैनर बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर charting.com में जाएंगे तो क्रिएट योर ओन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप प्लस में जैसे ही ऐड करेंगे, आपको कोई भी कंडीशन, जैसे मैं एक सिंपल बना के बता देता हूँ कि भाई EMA का ही क्रॉस ओवर ले लेते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्रॉस्ड अबव मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब ये हम मान के चलते हैं कि 20 EMA का लाइन 200 EMA के लाइन के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में ये 20 लिखा है उसको 200 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गया कि डेली जो EMA है वो क्रॉस करना चाहिए 200 EMA को, सॉरी 20 EMA जो है वो क्रॉस करना चाहिए 200 EMA को डेली कैंडल स्टिक पे। यहाँ पे डेली लिखा है मतलब डेली कैंडल स्टिक। ये एक सिंपल सा ये तरीका है स्कैनर बनाने का। तो इसी तरीके से आप अपना जो भी लॉजिक है उसको प्लस कर 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 यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उसके हिसाब से बना सकते हो। तो अगर हम इसको सीधा सीधा कैश सेगमेंट में देख रहे हैं तो कैश सेगमेंट में यहाँ पे आप सेगमेंट बदल सकते हो, जो भी सेगमेंट आपको चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये सब कंपनी मिल गई जिसमें 20 EMA 200 EMA को क्रॉस कर रहा है। तो जैसे चेक करना है तो सामही होटल्स लिमिटेड, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो कैंडल है वो इसमें 20 EMA को जस्ट क्रॉस कर रहा है 200 EMA को। 20 EMA का लाइन ये रेड वाला हो गया, जस्ट ये क्रॉस कर रहा है और ये जो लाइट कलर में दिख रहा है ब्लू टाइप का वो आपका 200 EMA है तो क्रॉस कर रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपना कंडीशन डाल के यहाँ पे 1x1 ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से स्कैनर बनाना है। तो कितने लोग हैं जो जो अपना अपना आइडिया बना सकते हैं कि किस किस तरीके का स्कैनर चाहिए, तो आज का जो सेशन रहेगा वो पूरा डिस्कशन रहेगा। आप लोग अपना कंडीशन बताइए कि किस तरीके से आप स्कैनर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जिनको जिनको डिस्कस करना है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और जो मैंने स्कैनर बनाया इंट्राडे के लिए वो हमने कोर्स मॉड्यूल में डाल दिया है और वो मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। जो मेरा स्कैनर है इंट्राडे के लिए वो कोर्स मॉड्यूल में डाला हुआ है और उसमें जो भी टूल यूज किया है या जो भी क्राइटेरिया डाला है वो आप ही लोग के बताए हुए आइडिया के हिसाब से है। तो जैसे दिवेश जी हैं उनका एक आइडिया था और दूसरा है कि कविन तुलसियानी जी उनका आइडिया है, तो वो दोनों मेंबर ग्रुप के ही हैं। आप लोग उनको थैंक्स बोल सकते हो क्योंकि उन्हीं दोनों का आइडिया को मैंने मर्ज कर दिया है, मैं कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। दोनों में से जो जो क्राइटेरिया मुझे सूट कर रहा था उसके हिसाब से मैंने उसको करके मोबाइल ऐप पे अपलोड कर दिया है सर। लेकिन आपने जो ये बनाया है ना, इट्स अमेजिंग अमेजिंग सर। मैंने थोड़ा बैक टेस्टिंग और उसके रिजल्ट्स देखे, बट माइंड ब्लोइंग चीज है, माइंड ब्लोइंग। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दिवेश जी, ये आप ही का मेहनत था, जस्ट उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई बस किया है, बाकी आपका एफर्ट बहुत सर। आपने सोने पे सुहागा कर दिया। कितने लोग अभी मोबाइल ऐप पे देख चुके हैं जो अभी अपलोड किया है सर? मोबाइल ऐप हमारा तो चालू नहीं है सर, ग्रुप में भी डाल दीजिए ना सर। ग्रुप में नहीं सर, ग्रुप सर में क्या नाम से है? मैं अभी मोबाइल ऐप ओपन किया हूँ सर, क्या नाम से है वो अभी? ओके, सर व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिए ना सर। नहीं नहीं डालेंगे उसको, क्योंकि लोग बेचने लगता है ना उसी चीज को। कहाँ पे स्कैनर, मैं तो देख रहा हूँ, नहीं दिख पा रहा मुझे तो। देख लेना अनाउंसमेंट में, सबसे लास्ट डाला हुआ है
ठीक है, वो बाद में देख लेना, अभी क्लास में छोड़ दीजिए, वो डिस्कशन छोड़ दीजिए, वही बता रहा हूँ, कर लेना। सर जो अभी स्कैनर है ट्रेंड रिवर्सल वाला, हाँ इसमें पीछे के कितने दिन का देखना चाहिए कि ट्रेंड, जैसे डाउनवर्ड सीपीआर है, अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन का देखना चाहिए पीछे का? पीछे का इसके देखना ही बाद नहीं फिर है। ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, या पिछले दिन से नीचे है फिर ट्रेंड रिवर्सल का अपने को सिग्नल मिल रहा है तो अपन कर सकते हैं? पीछे देखने का जरूरत नहीं है, वैसे 2-3 दिन से, कम से कम 3 दिन का मान लो, 3 दिन से अगर डिसेंडिंग है तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ओके ठीक है ना, है उससे ज्यादा सर। देखने का जरूरत दूसरा नहीं पिछले 3 दिन। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये स्कैनर अपने को कितने बजे चलाना चाहिए, सुबह 9:20, 9:20 पे? 9:20 पे चलाओ, 9:21 पे ऑर्डर पंच कर दो, फर्स्ट कैंडल का लो स्टॉप लॉस। अभी मैंने सर वो स्कैनर से स्कैन करके, जो भाई ने भी बताया कि इंफोसिस आया है, तो 4-5 स्टॉक मैंने चेक करे, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिख रहा है उसमें। ठीक है ना दिवेश भट्ट जी, काइंडली आस्क योर ठीक है क्वेश्चन, वो शानदार है, उसमें कुछ सोचने का नहीं है। जी हाँ दिवेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपका कुछ सर, सजेशन है तो दे एक्चुअली सकते हैं। मुझे सर नेकेड बाइंग करने में बहुत डर लगता है, तो मैं जनरली कॉल बुल स्प्रेड में यूज करता हूँ, तो उसका जो डिफरेंस है वो सर कैसे रखूँ वो मुझे, और सर मुझे आपसे हेजिंग सीखनी है, तो प्लीज आप हेजिंग के लिए कुछ कीजिए कि हमारी जो कम्युनिटी है उनको भी सर हेल्प हो जाए डीप हेजिंग में थोड़ा। तो पिछला जो 15 डेज था वो हमने हेजिंग के ऊपर ही डिस्कशन किया है पुराना। सर मुझे 3 दिन ही हुए हैं हाँ अभी समझ ज्वाइन गया किए समझ हुए। गया हाँ दिवेश जी, ये इसका ना जो मोबाइल ऐप है उसमें सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हेजिंग वाला, एक बार उसको जरूर जी देख लीजिए, उसके बाद फिर जी सर किसी दिन आपके लिए अलग से सेशन कर लेंगे वो। जी सर जी, जी पर सर उस तरीके से करूंगा तो अच्छा रहेगा ना, हाँ कॉल बुल स्प्रेड बना के करूंगा तो हाँ वो वो थोड़ा तो सेफ सबसे रहेगा बेस्ट ना। है, कॉल बुल स्प्रेड बनाओगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो जी हमारा स्कैनर है ना उस स्कैनर में वो तो मोस्टली आपका आइडिया भी बहुत ही शानदार था, उसमें बस ये था कि जी कंपनी ज़्यादा आ रही थी उसको मैंने लिमिट कर जी दिया। सर आपने बहुत शानदार बनाया है, बहुत शानदार, यानी मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया कि ये सर ने क्या कर दिया जी करके, जी 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 बहुत ही बढ़िया बनाया है सर आपने जो इसमें, यानी सर आपका नॉलेज है और आपका एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से ये जो बना है ना, तो हम जितने भी ग्रुप्स में है तो उन लोगों को सर इससे इतना बेनिफिट होने वाला है ना, जी आई एम डैम श्योर सर बहुत बेनिफिट होगा इससे, जी 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 तो सर थैंक यू सो मच। ओके चलिए, आपका एप्रिशिएशन ऐसे जी ही, आपका एप्रिशिएशन तो ठीक है एक्सेप्टेबल है, बट आपका जो एफर्ट था ना उसके लिए मैं रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू, कि मैं बनाने के मूड में नहीं था, मतलब वो आप लोग शेयर कर दिए ना कल, वो मेरे लिए मोटिवेशन हो गया कि यार मैं इसके ऊपर काम करूं, तो रात भर बैठ के वही काम किया है। और वो कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आया है। जी इंट्राडे के सर, लिए तो थैंक यू वेरी स्टार्टिंग मच सेशन फॉर खत्म दैट। कर दिया जी आपने सर। सर वो स्कैनर के एक स्टॉक लेकर थोड़ा बोल दीजिए कैसे करना है क्या करना है क्या। सर बोल तो दिया सर, एक बार नौ बज चला के के बीस बता मिनट दीजिए पे सर। रन करो, 9:20 पे जो जो कंपनियां है सबको खरीद लो, और जो पहला कैंडल है उसी का लो को स्टॉप लॉस रख लो, कुछ बुद्धि नहीं लगाना है उसमें, सारा चीज बुद्धि मैंने लगा लिया है। आप अब लोग तो के लिए यार नहीं तो छोड़ा थोड़ा है। राकेश झुनझुन वाला बन जाओ। बन सर सकते हैं इसी स्कैनर से। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर। अभी स्विंग के लिए भी निकालेंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है। ठीक है हाँ दविंदर शर्मा जी, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर, मेरा एक क्वेश्चन है फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड, आरएसआई से रिलेटेड है सर। RSI सर जैसे मान लो सर सीपीआर को कोई भी 5 मिनट की कैंडल बुलिश वो कर जाती है सर, मतलब क्लोज हो जाती है, तो सर RSI यदि 80 से ऊपर है तो क्या हम उसमें कॉल के लिए जा सकते हैं सर? RSI मत देखो, बंद कर दो उसको, डिलीट कर दो सिस्टम से। चलिए मैं भी डिलीट कर बंद देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है कि कर मैं मल्टीपल टूल लगा सकता हूँ, प्रीमियम है इसीलिए लगा रहता है, देखता मैं भी नहीं हूँ,
बीच बीच में जैसे हायर टाइम फ्रेम पे देखना है तो 60 के ऊपर है कि नहीं वो देख लेता हूँ, और उससे ज्यादा कोई यूज नहीं है उसका, ओके सर थैंक यू। है ना, हमारा वीवैप अपने आप में पावरफुल है, वीवैप को अगर समझ गए और सीपीआर का ट्रेंड रिवर्सल को समझ गए या नेरो सीपीआर का गणित समझ गए तो फिर कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, कुछ इधर उधर जाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वीवैप का लाइन 20 ईएमए के ऊपर है तभी बुलिश, तब भी बुलिश होता है तो उसमें फिर सीपीआर का ट्रिक यूज कर लेना, मतलब अल्टीमेटली वीवैप और 20 ईएमए दोनों के ऊपर है ना, मतलब वो दोनों के ऊपर होना चाहिए। कई बार क्या होता है जैसे मार्केट में थोड़ा गैप अप होगा तो 20 ईएमए को सेटल होने में टाइम लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। मिस्टर सैम काइंडली आस्क। नमस्ते सर, हाउ आर यू? ग्रेट यार। समीर भाई आप बोल रहे हो? सर मेरा, मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन करा तो स्कैनर, स्कैनर वो ऐप में अपडेटेड है, ऐप में अपलोडेड है, ऐप में है क्या? हाँ मोबाइल ऐप पे है, मेरा वो एक्सपायर हो गया एक्चुअली। वो नीरज जी से आप बात कर लेना, है ना? ठीक ठीक है, आप तो पुराने मेंबर हो तो कोई इशू नहीं है। और ये वीडियो में आप जब डालेंगे तो दिनेश कुमार नहीं, ये समीर भाई ये नहीं डालेगा पब्लिकली, क्योंकि इसको मैं देखूंगा, अगर लोग इसको क्या इधर उधर करने लगेंगे ना फालतू का शेयरिंग करना तो ये फिर बाद में हमारे लिए ही नुकसानदेह होगा कि हमारा ही काम करना बंद कर देगा। सर सबको यही रिक्वेस्ट था सर, क्योंकि बहुत मेहनत से ये स्क्रीनर बनाया है और ऑलरेडी सर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, तो सबको वही रिक्वेस्ट के प्लीज जो आपकी मेहनत है और आपका जो एक्सपीरियंस है तो इसको कहीं पे सर शेयर नहीं करें प्लीज। वही तो, वही चीज तो मेरा भी कंसर्न है, इसीलिए तो मैं झिझक रहा था डालें कि नहीं डालें करके, चाहता तो हाँ। मैं क्या है कि आपको शेयर कर देता, आपका कंट्रीब्यूशन था, कविन तुलसियानी जी को शेयर कर देता, उनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, और मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन था कि मैं रात में उसको एनालाइज करके उसको कर पाया, तो ठीक है, वही है लोग उसको गलत तरीके से इधर उधर शेयर ना करें बेहतर रहेगा। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में आ जाती है वो काम करना बंद कर देती है, पब्लिक डोमेन पे आएगा तो काम करना बंद कर देगा, तो वही है ना जो हमारा एफर्ट है वो खराब हो जाएगा ना, इसीलिए मना कर रहा हूं उसमें। जी 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 जी, तो एक बार तो मैं सोचा प्राइवेट करता हूँ, फिर बाद में मैं पब्लिक में डाल दिया हूँ कि यार कम से कम ग्रुप मेंबर को मिल जाए, है ना, तो ठीक है जी, सॉरी फॉर द इंटर जी। सर वो आप जो बोल रहे कौन सा आप है, वो आस्क दिनेश कुमार करके जो आप है वही आप है? जी 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 जी, पर उसमें एक्चुअली मैंने आपका जो मेंबरशिप में ज्वाइन किया है तो उसमें कैसे मिलेगा वो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। नहीं उसमें नहीं मिल पाएगा ना, वो जो मेंबर कोर्स लिए हैं मोबाइल ऐप में वो उन्हीं के लिए है। ओह अच्छा अच्छा, है ना सर, मेरा एक सवाल ले लीजिए सर। जी 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 सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, ये मैं एक्चुअली सर लेट में ज्वाइन किया तो कब से मैं स्कैनर्स कर रहा सुन रहा हूँ सर, थोड़ा बता दीजिए ना कहाँ से देखेंगे और कैसे उसको। मोबाइल ऐप पे है, मोबाइल ऐप पे आप नोटिस कौन सा सेक्शन, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे स्कैनर में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो कैसे क्या सर देखना है थोड़ा एक बार बताएंगे उसको? नहीं वो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी ने रिक्वेस्ट किया था ना कि इन्फोसिस का एनालिसिस बताओ जो लिस्ट में आया था। हाँ, मैंने किया था। देखिए उसमें जो क्राइटेरिया डाला हूँ डेज ओपन के ऊपर होना चाहिए या डेज ओपन और डेज लो दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है? जी जी जी, कंडीशन दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के बाद ऑर्डर पंच कर दो, फर्स्ट कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा जी, है ना, यहीं पे आपका एंट्री हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद 10 बजे 10:30 बजे तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा, चाहो तो बंद कर दो और चाहो तो होल्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम डे में एग्जिट करना है, इंट्राडे स्कैनर है ये। सर जैसे आप बोलते हो कि ये अपना इंडेक्स में R2 तक लेना है और अगर स्टॉक होता तो R4 लेना है, तो हम लोग क्या R2 देखें या R4 तो वेट करें? इस स्कैनर में आपको R2 R3 कुछ नहीं देखना है, आपको सुटेबल प्रॉफिट हुआ 1:4 हो गया बंद कर देना। ठीक है सर, जैसे यहाँ पे मान लो आपका 100 पॉइंट का, मान लो यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 80 पॉइंट टारगेट लेना है 1:4,
ठीक है। तो ये सर स्कैनर जो है जो भी दिखाएगा सारी इसी प्रकार आपको दिखेगा सर, वो जो स्कैनर आपने बनाए। हाँ कुछ चेंज भी रहेगा, कुछ कुछ चेंज रहेगा, वो धीरे धीरे आप लोग करो तो मेहनत, तब तो पकड़ में आएगा कहाँ गलती हो रहा है। हाँ सर मेहनत तो दोनों साइड से करेंगे सर, आप तो कर लिए और जो देवेश भट्ट सर बात कर रहे थे वो भी तो काफी मेहनत किए। और सर एक चीज बोलूंगा कि मेरे तरफ से ये सियोरिटी है आपको कि कहीं ना कहीं आपका लीक नहीं होगा सर, ये मतलब कॉन्फिडेंट रहेगा मेरे लिए। हाँ हाँ वही है यार, वो क्या है बदमाशी करने से क्या होता है फिर पूरा मेहनत खराब है ना, क्योंकि वो सब लोग अगर वही करने लगेगा तो फिर क्या होगा जी, और ये तो जी, फैल जी, जाएगा जी। पूरे भारत भर में, और उसके बाद वो काम तो करना सर मैं बंद कर तो देगा। काफी जो ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं तो सबसे सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो ना दे सर, मेरे तरफ से ही रहेगा। वही 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 है। ठीक है सर, थैंक यू सर फॉर कंफर्मेशन। ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर प्लस डे ओपन, इसके कुछ और ट्रिक्स हैं जिसको मैं बताऊंगा कि कौन से, जैसे वाच लिस्ट बनाना है और वाच लिस्ट से कैसे ये आए, है ना। तो जैसे अगर इसमें जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे वाच लिस्ट डालने का, जैसे कैश है तो वाच लिस्ट वाला जो सेक्शन है ना, तो यहाँ पे आप वाच लिस्ट बनाओगे तो वाच लिस्ट यहाँ पे बना लो स्क्रीनर पे, और जो भी आपका वाच लिस्ट है उससे स्कैन हो। और वाच लिस्ट कैसे बनाना है वो नेक्स्ट सेशन में रहेगा, वो आफ्टर 15 डेज रहेगा, है ना, कि वाच लिस्ट कैसे बनाना है और उसी वाच लिस्ट में से वो आए, ताकि जो आपका जो संभावना है ना, ये जो स्कैनर हम यूज़ कर रहे हैं उस स्कैनर का जो संभावना है वो संभावना जो है वो काफ़ी आगे लेवल पे बढ़ जाए, मतलब मैं जो शेयर लूँगा वो बढ़ेगा ही, मतलब वो इंट्राडे से पोजिशनल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। नहीं 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 पोजिशनल नहीं लेना है, पोजिशनल भी कर सकते हो, ये भी बता रहा हूँ, आप सही चीज बोल रहे हो, वो पोजिशनल भी लेके जा सकते हैं। ओके। 2 से 3 दिन के अंदर 10 से 15% मूव, लेकिन वो ट्रिक अभी साइलेंट रहेगा, देखना पड़ेगा ना क्या हो रहा है, लोग बदमाशी इतनी कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।